प्यारे मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे जेवी एन सीआईवी मेड सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो लेसन के माध्यम से हम लोग अपने एएफएम के यूनिट 23 जो कि सबसे आसान टॉपिक भी है और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक भी है, इसके थ्योरी पोर्शन को डिस्कस करेंगे जो कि बेस्ड है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स फॉरेक्स अर्थमेटिक। तो ये हम यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर हम लोग बेसिक्स क्लियर करेंगे फॉरेक्स अर्थमेटिक का। देखिए ये सभी टॉपिक हमें कवर करने हैं इस चैप्टर के अंदर। तो इस पार्टिकुलर वीडियो लेसन में हम लोग ऑब्जेक्टिव्स, इंट्रोडक्शन, फंडामेंटल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड इंडियन फॉरेक्स मार्केट, और यदि समय बचता है तो हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोड को भी देखेंगे, यानी कि 23.0 से लेकर 23.4 तक के टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। तो अंतिम तक बने रहिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करने वाले हैं, यानी जो भी कंसेप्ट हम समझेंगे इस टॉपिक के माध्यम से उस पर हम देखेंगे कि हमारा ग्रास्प कितना है, कितना हमने समझा है, हमारा कमांड कितना है। चलिए बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज का बेसिक्स क्या है, राइट। तो जिसको हम लोग शॉर्ट में फॉरेक्स बोलते हैं, तो सिंपल भाषा में मैं समझाता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज व्हाट एग्जैक्टली इज फॉरेन एक्सचेंज। जैसे मान लीजिए कि आप विदेश जा रहे हैं, आप दूसरे कंट्री जा रहे हैं और आपको अपना पैसा जो है डॉलर से यूरो में कन्वर्ट करना है, या डॉलर से या ऐसे समझिए कि रुपीज से डॉलर में कन्वर्ट करना है। यू हैव टू कन्वर्ट योर मनी फ्रॉम रुपीज टू डॉलर। तो यहीं पे फॉरेन, यही होता है हमारा फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। ये वो प्रोसेस है जिसमें हम एक कंट्री के करेंसी को दूसरे कंट्री के करेंसी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे ये रुपीज़ जो है वो इंडिया का करेंसी है, ये डॉलर जो है ये यूएस का करेंसी है। तो बेसिकली अ प्रोसेस थ्रू विच वी कन्वर्ट वन करेंसी इनटू अदर, दिस इज़ कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज। और ये जो कन्वर्जन है ना, बहुत ही क्रूशियल है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। दिस इज़ वेरी क्रूशियल फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, ठीक है। क्योंकि ये बिजनेस को हेल्प करता है, अलग अलग कंट्री के बिजनेस को हेल्प करता है कि वो आपस में स्मूथली ट्रेड कर सकें, राइट। तो वही कहा जा रहा है, इट रेफर्स टू अ प्रोसेस बाय विच अ बैंक कन्वर्ट वन कंट्री करेंसी इनटू अदर एंड इट इज़ इंटीग्रल टू फॉरेन ट्रेड, फैसिलिटेटिंग ट्रेड अक्रॉस बॉर्डर। इसी चीज़ को यहाँ पर समझाया जा रहा है पहले स्लाइड में। चलिए अब देखिए किस प्रकार से ये फॉरेन ट्रेड में काम करता है, थोड़ा सा मैं उसके बारे में, अभी तो मैंने बोल दिया कि हाँ ये फॉरेन एक्सचेंज जो है जिसमें हम लोग करेंसी का कन्वर्जन करते हैं, ये फॉरेन ट्रेड के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। लेकिन कैसे हेल्पफुल है, हाउ इज़ इट हेल्पफुल, सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ। सी व्हेन अ कंपनी इन वन कंट्री सेल गुड्स टू कंपनी इन अनदर कंट्री, दे नीड टू एक्सचेंज मनी। जैसे मान लीजिए कि ये कंपनी जो है भारत में है और ये दूसरी कंपनी जो है ये यूएस में है। अब ये कंपनी चाह रही है कि हम गुड्स जो है यूएस वाले को भेजें, राइट। तो जब भी ये कंपनी बेचेगी अपने गुड्स को यूएस में, तो ऑब्वियस सी बात है बदले में इसको पैसा मिलेगा, लेकिन यहाँ पे पैसा एक्सचेंज करना पड़ेगा ना, दे हैव टू एक्सचेंज मनी, राइट। जो सेलर है यानी जो इंडिया का जो सेलर है, जो एक्सपोर्टर है, वो अपने करेंसी में चाहेगा पैसा। ये क्यों चाहेगा कि हमको डॉलर में मिले, ये चाहेगा ना कि मुझे पैसा रुपीज़ में मिले, राइट। लेकिन जो बायर है वो चाहेगा ना कि वो अपने करेंसी में पे करे, वो बोलेगा कि नहीं हम डॉलर में पे करेंगे, और ये बोलेगा कि नहीं हमको रुपीज़ में चाहिए। तो फॉरेन एक्सचेंज यही चीज़ को पॉसिबल करता है, बिकॉज ही इज़ एक्सपोर्टर, ही इज़ इम्पोर्टर, एंड नाउ दे वांट टू एक्सचेंज करेंसी। वाई दे नीड टू एक्सचेंज करेंसी, बिकॉज द एक्सपोर्टर वांट दैट ही शुड सेल, ही शुड रिसीव मनी इन रुपीज़, एंड द इम्पोर्टर वांट दैट ही शुड बाय द गुड्स इन डॉलर। सो हेयर यहीं पे दोस्तों फॉरेन एक्सचेंज जो है इस चीज़ को पॉसिबल बनाता है कि करेंसी कन्वर्जन में हेल्प करता है ताकि ट्रेड जो है स्मूथली हो जाए। वही चीज़ आपको सेकंड पैराग्राफ में बताया जा रहा है, इट इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ करेंसी ड्यूरिंग इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजेक्शन, द एक्सपोर्टर रिक्वायर पेमेंट इन देयर ऑन कंट्री करेंसी वाइल द इम्पोर्टर पे इन देयर ऑन। यही चीज़ आपको समझाया जा रहा है। चलिए थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं जो कि है हमारा करेंसी कन्वर्जन एंड फंड ट्रांसफर। समझिए अब हम बात करते हैं करेंसी कन्वर्जन क्या होता है, फंड ट्रांसफर क्या होता है। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब यही नहीं हुआ कि आप पैसा को चेंज कर रहे हैं, पैसा तो आप चेंज कर ही रहे हैं, मतलब मनी तो आप एक्सचेंज कर ही रहे हैं, लेकिन इसके अंदर ये भी होता है कि आप कंट्रीज़ के बीच में फंड का ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये कीवर्ड है ट्रांसफ़र ऑफ फंड। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए यही कंपनी की बात करते हैं, ये इंडिया की कंपनी है और ये यूएस की कंपनी है, इसने कुछ मंगाया तो बदले में ये पैसा पे करेगा ना। तो ये मान लीजिए कि ये कंपनी भारतीय कंपनी, आप ही मान लीजिए आप ही हैं ओनर, आप ही जो है पैसा किसी यूएस कंपनी को भेज रहे हैं जो कि ओवरसीज में है। तो फॉरेन एक्सचेंज क्या करता है कि आपके करेंसी को रेसिपिएंट के करेंसी में ट्रांसफ़र करता है स्मूथली। इसी को बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ फंड। मतलब कि
ये फॉरेन एक्सचेंज के माध्यम से ही ये होता है कि आपका करेंसी जो है रेसिपिएंट के करेंसी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो इट हेल्प इन कन्वर्जन एंड ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इनेबलिंग सेटलमेंट इन डिफरेंट करेंसी। तो यदि हम रिकॉल करें जो फैक्ट हमने इस स्लाइड में कवर किया है, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि फॉरेन एक्सचेंज कैसे आपको हेल्प करेगा, तो कन्वर्टिंग करेंसी फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए फॉरेन ट्रेड के लिए करेंसी कन्वर्जन में हेल्प करता है, वही चीज़ कहा जा रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने देखा कि जो बॉर्डर बिजनेस अक्रॉस बॉर्डर है उसके बीच में स्मूथ ट्रांजैक्शन को हेल्प करता है, राइट। और तीसरा पॉइंट हमने देखा फंड ट्रांसफर में हेल्प करता है, ठीक है, दूसरे करेंसी में। तो होपफुली आपको फॉरेन एक्सचेंज का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। यदि आपको ये चीज़ें समझने में आसानी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए जब भी वीडियो अपलोड हो। अब हम लोग बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज के फंडामेंटल्स की। तो फॉरेन एक्सचेंज का बेसिक तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे करेंसी का कन्वर्जन होता है, क्यों ज़रूरी है ये भी आप समझ लिए। चलिए फंडामेंटल्स की बात करें तो सबसे पहले बात ये समझिए कि नेशनल करेंसीज की बात करते हैं, डिस्टिंक्ट नेशनल करेंसी। यहाँ देखिए बताया जा रहा है फर्स्ट लिस्ट टॉक्स अबाउट डिस्टिंक्ट नेशनल करेंसी। तो प्रत्येक कंट्री का अपना पैसा होता है, जैसे कि यूएस डॉलर अपना करेंसी होगा, यूएस डॉलर हो गया, यूरो हो गया, इंडियन रुपीज़ हो गया। तो इन सभी करेंसीज़ को मोस्टली अपने कंट्री में यूज़ किया जाता है, राइट। तो जब आप बिजनेस करेंगे इंटरनेशनली तो आपको अपना पैसा एक्सचेंज करना पड़ेगा ना, जिस कंट्री के साथ आप डील कर रहे हैं उस कंट्री के करेंसी में। वही कहा जा रहा है कि एवरी कंट्री हैज़ इट ऑन लीगल टेंडर दैट इज़ प्राइमरली यूजफुल विद इन इट बाउंड्री, ठीक है, यही पॉइंट यहाँ समझाया जा रहा है। दूसरा पॉइंट ये आता है दोस्तों कि आपका बैंक मेडिएशन वाया बुक कीपिंग, ये क्या होता है जरा इसको समझिए। तो सवाल ये है कि ये जो एक्सचेंज है ये होता कैसे है, हाउ डज दिस एक्सचेंज एक्चुअली हैपन। सो बैंक प्ले अ बिग रोल, यहाँ पे सबसे बड़ा रोल किसी का है तो वो बैंक का है, इसको एडी बोलते हैं हम लोग, ऑथराइज डीलर बोलते हैं। तो बैंक हैंडल करते हैं इन सभी ट्रांजेक्शन को बुक कीपिंग एंट्रीज के माध्यम से, दैट इज़ द बुक कीपिंग एंट्रीज, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि बैंक रिकॉर्ड करती है कितना पैसा एक्सचेंज किया जा रहा है उनके फाइनेंशियल सिस्टम में, और ये श्योर करती है कि सारा डेटा एक्यूरेट रहे और स्मूथ रहे। तो वही कहा जा रहा है बैंक मेडिएशन वर्सेस बुक कीपिंग। तीसरी बात आती है हमारी, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जो करेंसी एक्सचेंज होता है वो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से होता है। कैसे होता है, तो बेसिकली व्हाट इज़ दिस क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, दिस इज़ नथिंग बट अ फाइनेंशियल टूल। ये क्या है, फाइनेंशियल टूल है, राइट, जिस कारण से फॉरेन एक्सचेंज का ट्रांजेक्शन काफ़ी आसान होता है। तो इसको समझिए कि एक ऐसा शॉर्टकट है जिसके माध्यम से आपका प्रोसेस स्पीडअप होता है और सिंप्लीफाई होता है। तो यदि हम एग्जांपल की बात करें, इंडियन के पर्सपेक्टिव में बात करें, तो इंडियन फॉरेक्स मार्केट में एक्सचेंज रेट कभी कभी ग्लोबल ट्रेंड से अलग भी मूव करता है, राइट। जैसे आप यहाँ देखिए ना, इंडियन फॉरेक्स मार्केट की बात की जा रही है, सो आप देख सकते हैं कि एक्सचेंज रेट मूवमेंट भारत का जो मार्केट है, राइट, इंडियन फॉरेक्स मार्केट में क्या होता है दोस्तों कि एक्सचेंज रेट कभी कभी ग्लोबल ट्रेंड से अलग मूव करेगा। क्यों ऐसा, इसलिए क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है कितना फ्रीली मनी जो है आ सकता है और जा सकता है। यहाँ पर इसीलिए बोलते हैं ना कि भारत का जो करेंसी है वो कम्प्लीटली उसमें रिस्ट्रिक्शन है, कम्प्लीटली कन्वर्टेबल नहीं है फ्रीली। यहाँ देखिए लिखा जा रहा है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे, इन इंडिया शॉर्ट टर्म एक्सचेंज रेट मूवमेंट इन द फॉरेक्स मार्केट मे नॉट अलाइन विद द इंटरनेशनल ट्रेंड ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, लिखा है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझिए, इसका मीनिंग ये हुआ कि एक्सचेंज रेट जो भारत के फॉरेक्स मार्केट में मूव करेगा वो डिफरेंटली मूव करेगा ग्लोबल ट्रेंड में। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शन डाल दिया है कितना पैसा फ्रीली मूव कर सकता है भारत के अंदर और भारत के बाहर। तो ग्लोबल मार्केट हो सकता है कि कुछ अलग ट्रेंड शो करे और भारत का जो एक्सचेंज मार्केट जो है हमेशा सेम पैटर्न को फॉलो नहीं करे, वही चीज़ यहाँ बताया जा रहा है। तो यदि हम रिकॉल करें मेन मेन फैक्ट को जो हमने कवर किया इस स्लाइड में, सबसे पहले हमने बात की कि प्रत्येक कंट्री का अपना करेंसीज होगा, फिर हमने बात की बैंक हेल्प करता है इन सभी करेंसी के एक्सचेंज को फैसिलिटेट करने में और बुक कीपिंग के माध्यम से, फिर हमने बात की कि क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट जो है फॉरेन एक्सचेंज के ट्रांजेक्शन को स्मूथर बनाता है। मैंने आपको क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट के कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे, राइट, जैसे हमने बताया था आपको शॉर्टकट्स के रॉ फॉर्मेट में। फिर हमने बात की थी कि इंडियन फॉरेक्स मार्केट के टर्म में कि भारत में जो एक्सचेंज रेट का मूवमेंट होता है वो इंटरनेशनल ट्रेंड से डिफर कर सकता है। क्यों डिफर कर सकता है, क्योंकि कैपिटल फ्लो पे रिस्ट्रिक्शन डाला गया है। ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं, तो इससे आपको एक क्लियर पिक्चर मिल गया होगा कि कैसे फॉरेन एक्सचेंज काम करता है और इंडियन फॉरेक्स मार्केट के बारे में क्या यूनिक है। तो यदि आपने वीडियो को एंजॉय किया, यदि आपने यहाँ तक क्लियर किया, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड हिट द बिल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। चलिए अब हम बात करते हैं प्री LERMS एरा की।
तो हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे भारत का जो एक्सचेंज रेट सिस्टम था वो इवॉल्व हुआ है बिफोर LERMS टू द करंट सिस्टम। तो सबसे पहले बात करते हैं प्री LERMS एरा की। तो LERMS होता क्या है, पहले इसका फुल फॉर्म समझिए, लिबरलाइज एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म सिस्टम। देखिए, इससे पहले कि इंडिया ने LERMS को इंट्रोड्यूस किया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही सारे एक्सचेंज रेट को सेटल करता था। यानी इंचार्ज कौन था सारे एक्सचेंज रेट को सेटल करने का, वो RBI था। ठीक है, RBI जो है रेट को डिसाइड करता था, जिस रेट पे लोग खरीदेंगे और फॉरेन करेंसी को बेचेंगे, RBI जो है रेट डिसाइड करता था। तो एक मिनिमम रेट सेट करता था RBI, जिसको हम लोग फ्लोर रेट बोलते थे, सीलिंग रेट, फ्लोर रेट बोलते थे, क्या बोलते थे, फ्लोर रेट। तो फ्लोर रेट क्या होता था, एक मिनिमम रेट होता था, ठीक है, और एक मैक्सिमम रेट होता था जिसको हम लोग सीलिंग बोलते थे। ये पहले की बात हो रही है, राइट। तो मैक्सिमम रेट और मिनिमम रेट दोनों RBI सेट करता था। तो दोस्तों के कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं था, राइट, सो देर वॉज नॉट मच फ्लेक्सिबिलिटी, राइट। सो द एक्सचेंज रेट टाइटली कंट्रोल था, यानी RBI जो है एक्सचेंज रेट को टाइटली कंट्रोल करती थी। व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सचेंज रेट, वी मीन्स बाइंग रेट एंड सेलिंग रेट, राइट। लेकिन दोस्तों चीज़ें बदल गई हैं तब से। आज के सिस्टम में एक्सचेंज रेट जो है सेंट्रल बैंक फिक्स नहीं करती, इट इज नो लॉन्गर फिक्स्ड बाय द सेंट्रल बैंक, इंस्टेड दे डिटरमाइंड बाय द सप्लाई एंड डिमांड इन द लोकल इंटरबैंक मार्केट। यानी अब ये कैसे डिसाइड होता है कि हमारा जो लोकल इंटरबैंक मार्केट है उसमें सप्लाई और डिमांड कैसा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेट है, जो हमारा एक्सचेंज रेट है, वो फ्लक्चुएट करता है। किस बात पे डिपेंड करता है, कि कितना करेंसी खरीदा जा रहा है, कितना मार्केट में बेचा जा रहा है, ठीक है। सेंट्रल मार्केट मतलब अब ये फ्लेक्सिबिलिटीज में आ गई, अर्लियर इट वॉज नॉट फ्लेक्सिबल, नाउ फ्लेक्सिबिलिटी हैज कम। सो दोस्तों ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो गया है। तो आपको मैं यदि बिग डिफरेंस बताऊं, तो एक हमारा प्री LERMS एरा है, जहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करती थी, अपर और लोअर लिमिट इसने फिक्स कर रखा था। लेकिन आज के सिस्टम में एक्सचेंज रेट जो है सप्लाई और डिमांड पे डिपेंड करता है, और इससे जो है रेट का फ्रीडम मिल गया है मूवमेंट के लिए। तो इस प्रकार से इंडिया का एक्सचेंज रेट इवॉल्व हुआ है, राइट। चलिए, होपफुली आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोटेशन की, राइट। देखिए दोस्तों, चाहे आप डॉलर के साथ डील करें, रुपी के साथ डील करें, या किसी भी करेंसी के साथ डील करें, ये कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है जब बात आती है फॉरेन एक्सचेंज की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं करेंसी कोटेशन की। देखिए, ये सिंपली क्या होता है कि आप एक करेंसी का प्राइस दूसरे करेंसी के टर्म्स में लिख रहे हैं। जैसे आप मान लीजिए लिखते हैं कि एक डॉलर जो है 75 रुपया के बराबर है, 75 रुपीज़ के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि $1 कैन बी एक्सचेंज फॉर ₹75 इंडियन रुपीस। तो ये बेसिक आइडिया होता है कि कैसे करेंसी को कंपेयर किया जाएगा, कैसे करेंसी को ट्रेड किया जाएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं वन करेंसी कोटेशन। सपोज यू राइट दैट €1 इज इक्वल टू $10, सपोज, देन इट मींस दैट €1 कैन बी एक्सचेंज फॉर $10, राइट। तो ये ध्यान रखना है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं करेंसी कोटेशन। चलिए अब बात करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोटेशन की। तो चाहे करेंसी कोटेशन डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, इस बात पे निर्भर करता है कि जो पर्सन ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है उसकी होम करेंसी क्या है। देखिए लिखा गया है, डिपेंडिंग ऑन द होम करेंसी ऑफ द पर्सन इन्वॉल्व इन द ट्रांजैक्शन, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं। यदि डायरेक्ट कोट की बात करें, तो डायरेक्ट कोट तब होता है जब फॉरेन करेंसी का जो प्राइस है वो होम करेंसी के टर्म्स में दिखाया जाए। जैसे मान लीजिए कि आप भारत में हैं, यू आर इन इंडिया, मैंने बोला ना डिपेंडिंग ऑन द होम करेंसी ऑफ द पर्सन इन्वॉल्व, तो ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी पर्सन इन्वॉल्व है उसका होम करेंसी क्या है, ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप भारत में हैं, यानी आप इसमें इन्वॉल्व हैं, और आपका जो होम करेंसी है वो क्या है, इंडियन रुपीज़ है, राइट। तो आप क्या देखते हैं कि लिखा गया है $1 बराबर ₹75, ये आप कोटेशन देखते हैं लिखा हुआ। अब आप बोलेंगे कि ये डायरेक्ट कोट है कि इनडायरेक्ट कोट है। मैं क्या बोला, डायरेक्ट कोट तब होता है जब फॉरेन करेंसी का प्राइस जो है उसको होम करेंसी के टर्म्स में शो किया जाए। तो आप भारत में हैं, आपके लिए होम करेंसी है रुपीज़, और यहाँ पे फॉरेन करेंसी है डॉलर। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि फॉरेन करेंसी को होम करेंसी के टर्म में रिप्रेजेंट किया जा रहा है ना, नहीं कहा जा रहा है कि एक डॉलर जो है 75 रुपये के बराबर है। तो इसीलिए ये जो कैसा कोट है, डायरेक्ट कोट है, राइट। मतलब ये हुआ कि आपको 75 रुपया चाहिए तब जाके आपको एक डॉलर मिलेगा। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि आप USA में हैं और वहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि €1 = $10। आप US के निवासी हैं, इंडिया के निवासी नहीं हैं, तो आपके लिए कोट डायरेक्ट कोट होगा कि इनडायरेक्ट कोट होगा। तो आप सबसे पहले अपना होम करेंसी देखिए, आपका होम करेंसी क्या है, डॉलर। और यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक फॉरेन करेंसी को होम करेंसी के टर्म में एक्सप्रेस किया जा रहा है, इसीलिए ये भी हमारा डायरेक्ट कोट है। चलिए अब दूसरी तरफ इनडायरेक्ट कोट की बात करते हैं। इनडायरेक्ट कोट में क्या होता है कि यहाँ पे होम करेंसी का प्राइस शो किया जाता है फॉरेन करेंसी के टर्म्स में, यानी लिखा जाएगा कि 1 रुपीज़ बराबर कितना डॉलर,
समझ में? जैसे मैं एग्जांपल लेकर समझाता हूँ, मैं लिखता हूँ कि 1 रुपीज बराबर 0.0133 डॉलर। आप हैं भारत के निवासी, आपका होम करेंसी है रुपीज, तो आप क्या देख रहे हैं कि आपका जो होम करेंसी है उसको दिखाया जा रहा है कि एक यूनिट होम करेंसी का प्राइस इतना फॉरेन करेंसी है, इसीलिए को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट कोट। ठीक है, तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो डायरेक्ट कोट होता है, जो इनडायरेक्ट कोट होता है, ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो यदि आपको एक पता है तो आप आसानी से दूसरा को पता लगा सकते हैं। कैसे, मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आप कहते हैं कि $1 बराबर 75 रुपीज, कैसा कोट है आपके लिए? क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी को दिखाया जा रहा है आपके होम करेंसी के टर्म्स में, तो ऑब्वियसली ये डायरेक्ट कोट है। तो मैंने क्या बोला कि एक कोट दूसरे कोट का रेसिप्रोकल होता है, एक डायरेक्ट कोट दूसरे डायरेक्ट कोट का रेसिप्रोकल होता है। तो यदि मान लीजिए, तो आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना कि 1 रुपीज़ बराबर 0.0133। तो आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते क्या? देखिए, तो दोनों तरफ आप 75 से डिवाइड कर दीजिए, तो 1 डिवाइडेड बाई 75 इज इक्वल टू रुपीज़ 75 डिवाइडेड बाई 75। तो 1 डिवाइडेड बाई 75 निकालिएगा ना, तो आपको मिलेगा 0.0133, और ये 75 75 कैंसिल हो जाएगा, तो नहीं आ गया कि $1 बराबर इतना इतना, 1 रुपीज़ बराबर इतना डॉलर। अब आप देखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि $1 बराबर 75 रुपीज़ डायरेक्ट कोट है आपके लिए, क्योंकि आप इंडियन सिटीजन है। अच्छा, दोनों तरफ आप 75 से डिवाइड कर दीजिए, 1 डिवाइडेड बाई 75 डॉलर इज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाई 75। ये तो कर सकते हैं ना इक्वेशन में, दोनों तरफ एक ही चीज़ को डिवाइड कर सकते हैं। 1 डिवाइडेड बाई 75 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.0133 डॉलर, और 75 75 कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। अब आप इस कोटेशन को देखिए, अब आप क्या कहेंगे इस कोटेशन को देखकर, डायरेक्ट कोटेशन है कि इनडायरेक्ट कोटेशन है? ये ऑब्वियसली हमारा इनडायरेक्ट कोटेशन है। क्यों? क्योंकि आप तो भारत के निवासी हैं, भारत के निवासी होने के लिए जो आपका होम करेंसी है वो है रुपीज, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो आपका एक यूनिट है होम करेंसी का उसको हम फॉरेन करेंसी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं, राइट? तो इसीलिए ये हम, ये जो है हमारा कैसा कोटेशन है, इनडायरेक्ट कोटेशन है। तो अब आप समझ रहे हैं क्यों हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं। याद रखिएगा कि जो डायरेक्ट कोट होता है और इनडायरेक्ट कोट होता है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। समझ में आया? ठीक है, तो एक बार हम लोग क्विकली रिवाइज कर लें। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया पिछले स्लाइड में, हमने ये डिस्कस किया कि जो करेंसी कोटेशन होता है उसमें हम एक करेंसी के प्राइस को दूसरे करेंसी के प्राइस में एक्सप्रेस करते हैं। एक डायरेक्ट कोट जो है फॉरेन करेंसी के प्राइस को होम करेंसी के टर्म्स में एक्सप्रेस करेगा, इनडायरेक्ट कोट जो है होम करेंसी के प्राइस को फॉरेन करेंसी के टर्म में एक्सप्रेस करेगा, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोट आपस में क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो देखिए इस प्रकार से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोटेशन काम करता है, राइट? चलिए, सभी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी क्योंकि मैं बेसिक्स चीज़ों को बता रहा हूँ आपके सामने। अब देखिए दोस्तों, फिर हम लोग देखेंगे कि जो हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोट के बीच में मैथमेटिकल रिलेशनशिप होता है उसे देखेंगे, और फिर हम ये भी देखेंगे कि किस प्रकार से भारत में जो है कोटिंग प्रैक्टिस चेंज हुआ है, और कैसे आप बेसिक एक्सचेंज रेट अर्थमेटिक को हैंडल करेंगे, सभी चीज़ों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डायरेक्ट कोट और इनडायरेक्ट कोट के पीछे का मैथ। ये बहुत सिंपल है, आप समझ पाएंगे कैसे काम करता है। देखिए ये क्या लिखा गया, डायरेक्ट कोट बराबर 1 बाई इनडायरेक्ट कोट, और इनडायरेक्ट कोट इक्वल टू 1 बाई डायरेक्ट कोट। तो यदि आपके पास डायरेक्ट कोट है $1 बराबर 75 रुपीज़, तो इनडायरेक्ट कोट क्या हो जाएगा, 1 रुपीज़ बराबर 0.0133 डॉलर। ऐसा इसलिए क्योंकि ये डायरेक्ट कोट का रेसिप्रोकल है। समझ में? तो वही कहा जा रहा है कि यदि आपको डायरेक्ट कोट दिया गया है, इनडायरेक्ट कोट निकालना है, तो रेसिप्रोकल कर लीजिए दोनों तरफ। जैसे मैं एग्जांपल लेकर समझाता हूँ, $1 बराबर 75 रुपीज़ है, ये डायरेक्ट कोट है आपके लिए, आपको इनडायरेक्ट कोट लिखना है ना, तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, उल्टा, ठीक है, इसको 1 बाई 75 कर दीजिए, ठीक है, और इसको 1 बाई 1 कर दीजिए। तो इसको आप इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 0.0133। चलिए अब बात करते हैं कि कोटिंग प्रैक्टिस कैसे बदला है, वो जरा देखिए। देखिए अगस्त 1, 1993 से पहले, ठीक है, भारत में जो है एक्सचेंज रेट को कोट किया जाता था इनडायरेक्ट बेसिस पे, ठीक है। इसका मतलब कि वो दिखाते थे कि कितना एक यूनिट फॉरेन करेंसी आपको मिलेगा आपके होम करेंसी के एक यूनिट के लिए। लेकिन 2 अगस्त 1993 के बाद से क्या हुआ कि प्रैक्टिस अब स्विच हो गया कि हम डायरेक्ट बेसिस पे ही दिखाएंगे, यानी कि अब यहाँ पे हम क्या शो करते हैं कि कितना होम करेंसी का यूनिट आपको खरीदना पड़ेगा फॉरेन करेंसी के एक यूनिट के लिए। समझ में? चलिए अब बात करते हैं बेसिक एक्सचेंज रेट अर्थमेटिक के लिए। सबसे पहले बेसिक एक्सचेंज रेट अर्थमेटिक में स्पेसिफिकली क्रॉस रेट को कवर किया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्रॉस रेट। कभी कभी आपको क्या होता होगा कि करेंसी पेयर के साथ डील करना पड़ेगा, समटाइम्स यू माइट नीड टू डील विथ करेंसी पेयर, राइट? तो जैसे मैं एग्जाम्पल
जैसे मैं एग्जांपल के माध्यम से बोलूं तो जैसे मान लीजिए कि आप चाहेंगे कि एक्सचेंज रेट को देख पाएँ, फाइंड द एक्सचेंज रेट बिटवीन रुपीज़ एंड यूरो, राइट। तो कैसे निकाला जाए, हाउ टू कैलकुलेट दिस? सो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू कन्वर्ट रुपी टू डॉलर यूजिंग द रुपी डॉलर रेट, ठीक है। तो खासकर क्रॉस रेट का कंसेप्ट तब आता है जब डायरेक्ट करेंसी पेयर को डायरेक्ट कोटेड नहीं है, ठीक है। तो यू हैव टू, जैसे मान लीजिए कि आपको रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करना है, कैसे रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, तो जो आपका रुपीज़ वर्सेस डॉलर रेट होगा इसके माध्यम से करेंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, डॉलर को यूरो में कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो आपका डॉलर वर्सेस यूरो का रेट है उससे कन्वर्ट करेंगे। इसी मेथड को हम लोग क्रॉस रेट करते हैं, क्योंकि आप दूसरे करेंसी को क्रॉस कर रहे हैं, इस केस में डॉलर को क्रॉस कर रहे हैं, ताकि जो रेट आपको चाहिए वो मिलेगा। दोस्तों क्रॉस रेट के बारे में विशेष जानकारी हम लोग अगले वीडियो में गेन करेंगे। यदि आपको इस तरह के कंटेंट चाहिए, इस तरह के वीडियोस चाहिए, तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर, क्योंकि हमारे ऐप में, हमारा जेबी एनसीएबी मेड सिंपल का ऐप है, उसमें इस प्रकार के कंटेंट डाले जा रहे हैं। धन्यवाद।